यू शुड बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट बंजारा मार्केट सारा बंजारा मार्केट का बताया कि किधर से जाना है कैसे जाना है क्या कलेक्शन चल रही है अभी क्या शिफ्टेड है क्या नहीं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहती है बंजारा मार्केट को लेके ऑलवेज लाइक हमेशा ही मैं सेकेंड टाइम गई थी एंड ट्रस्ट भी मैं पहले टाइम से बहुत अच्छी शॉपिंग करके लगी बिकॉज पहले टाइम ऑब्वियसली हर मार्केट में पहले टाइम आपको बेकार जाता है सो इन दिस वीडियो मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स साथ में भी बताती रहूंगी जो मैंने जहाँ जहां एक्सपीरियंस किया बट इफ यू वॉन्ट अ फुल डिटेल्ड वीडियो अबाउट बंजारा मार्केट आई विल लिंक द प्रीवियस वन डाउन बिलो उसमें आप पूरा देख लेना दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल बंजारा का ब्लॉग क्योंकि बहुत कुछ बताया मैंने उसमें सो फॉर दिस वीडियो वीडियो विदाउट एनी वेरी एक्साइटेड दिसाउटेड सो आई थिंक मेरे को सीरियल वाइज चलना चाहिए कि मैंने क्या क्या कहाँ से लिया सो हमारे दो मोटिव थे कि मेरे को क्या लेना था मेरे को मेन बैकड्रॉप लेना था जो मैं ले चुकी हूँ मेरे को बैकड्रॉप लेना था मेरी हर्षिता दी है बड़ी बहन उनको क्रोकरीज चाहिए क्योंकि उनको कुकिंग वीडियो स्टार्ट करनी है विच यू शुड वॉच जब आएंगी मैं बता दूंगी वैसे सो so, उनको कुकिंग के लिए सारी एस्थेटिक एस्थेटिक्रोकरीज लेनी थी सो बेसिकली इफ यू हैव टू एजेंडाज इन योर माइंड कि आपको होम डेकॉर्स चाहिए uh, मेरा तो बैकड्रॉप से रिलेटेड है तो होम डेकॉर इसमें सारा ही है सम लैम्स सब कुछ है इसमें सो इफ यू वॉन्ट लाइक होम डेकॉर्स और क्रोकर यू हैव केम टू दी राइट वीडियो एंड मैं सीरियल वाइज बताती हूँ कि हमने क्या क्या कहा सीधे तो मैं बहुत कमजी औरत हूं इसलिए मैं बहुत कम चीजें उठाऊंगी आपको देखा लग रहा है आपको अच्छे से, से क्लिप्स ज्यादा दिखा दूंगी मैं कि क्या-क्या था क्या-क्या नहीं बट मैं अभी थोड़ा आपको ऐसा कम दिखाऊंगी अपने हाथों में तो स्पेशली सो पहला ये सेट था ऑफ 3 सेट्स ऑफ 3 ऐसा बोल कढाई वाला सेट छोटू कढाई सेट

टॉप नॉच एंड बंजारा में क्रोकरी आपको स्टार्टिंग में भी काफी अच्छी मिलेगी बट आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए मेन मेरी एक ही टिप रहेगी प्लीज पहले एक्सप्लोर करना मत ले लेना एक ऐसे एकदम ऐसे ठीक है फॉर आर सेकेंड पर्सन मेरे को काफी टाइम से एक मैक्रो मुंडे चाहिए थे यू नो दिस मैंने काफी यूट्यूबर्स की यू नो बैकड्रॉप में देखा था जब मैंने शुरू भी नहीं किया था यूट्यूब तब से ही तो मैंने कहा था कि यार मेरे को भी ऐसा एस्थेटिक रखना है इज़ लाइक इंस्परेशन मैंने काफी ऐसा इंस्पिरेशन ली है काफ़ी यूट्यूबर्स से सो so, हमें ये मिला मुडा काफी अच्छा ये दो का सेट था इसका ऊपर मैक्रम है कुछ ऐसा है वर्क एंड नीचे सा इट्स काइंड ऑफ लाइट वेट येस मैं उठा पा रही तो लाइट वेट ही है एंड नीचे से ये काफी अच्छा मैक्रम है द क्वालिटी आई वुड से वेरी गुड द क्वेश्चन द क्वेश्चन मटेरियल टॉप नॉच बहुत बढ़िया है सो so, इन दो के प्राइजेस उन्होंने बताए थे 2500, बट हमने 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 बोला था एक तो दोनों दो अपनी आंखों में से देख के खुद ही कंफ्यूज कि हम बहुत कम बोल रहे हैं में मारेंगी तो ऐसा था लेकिन हमने इसका थाउजेंड रुपीज बोला था फिर वो नहीं मान रही थी तो हमने बिल बोला कि अब अपने काम की चीज सही होती है तो जब आपको दिखता है कि सामने वाला नहीं मान रहे तो आपको थोड़ा सा तो बढ़ाना ही पड़ता है तो हमने बोला ठीक है आंटी इलेवन कर लेना उन्होंने बोला चलो उनको दिखा ना कि हम लोग कम थोड़ा बढ़ा रहे तो उन्होंने सीधा बोल दे बारह सौ देख सो रुपये का एक आई फील लाइक लाइक टू गुड बहुत बड़ी आपको नॉर्मल मार्केट में तो नहीं मिल सकते इतने के बट बंजारा में मिले तो आई फील लाइक इट इज वे टू गुड एंड क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी है कुशन मटेरियल है आप इसको नॉर्मल जैसे मैंने तो इसका एस्थेटिक्स ऐड कर रखे है पर आप घर में भी इसको रखो हमने भी अभी तो ये यह यहाँ लगाया हुआ बट बट वहां कि टेबल के साइड में मुड्डे लगते तो एंड यू कैन सी द डिफरेंस फॉर आई टेल यू हाउ सो फर्स्ट लेट्स दिस प्रोडक्ट है डी विटामिन बी फाइव एंड विटामिन बी थ्री ऑल ऑफ दीज इंग्रीडियंट्स आर जेम इंग्रीडियंट this is the only product in india which is providing the chlorophyll in their products for acne skin solution to achieve better skin results so chlorophyll helps you in reducing acne protect you from sunlight it helps you reducing skin irritation secondly vitamin b3 is a form of niacinamide and helps you reduce the acne plus it improves the skin tone fourth vitamin b5 improves skin hydration and promote a smoother complexion so this acne powder is plant-based and made up of helpful useful plants plus some good vegetable sources इट कम्स विद ग्रीन एप्पल फ्लेवर विद अट्रैक्टिव ग्रीन अपेयरेंस सो एल बी ऑनेस ये थोड़ा सा लाइक बेटर टेस्ट पे है बट स सो द स्वीट टेस्ट इज ऑर्गेनिक लाइक टोटली ऑर्गेनिकलीट यू नो हाउ टू यूज इट आपको दो सौ एम एल दो सौ एम एल से ज्यादा नहीं थोड़ा ज्यादा चलेगा बट दो सो एम एल इज फाइन उसमें एक स्कू लेती है सो so वन स्कूप ऑफ दैट एंड ग्रीन कलर का हो जाएगा वो एंड टेक इट आफ्टर अ मील वन अ डे लाइक एक दिन में एक ही बार आफ्टर वन मील

कुछ रख के ढक रहेंगे वाइप क्या करने लगी मैं सो so, इसी के साथ में सेम शॉप से ही हमने ये ये लिया था और विच इज धोया हुआ है अभी देखो पानी मस्त सो so, ये ऐसा हम्म समझ गए <laughs> कैसे कैसे कोई समझेगा मेरे किसी काम का तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही फैंसी प्लेट हम्म

अच्छा है फिफ्टी भी लग सकता था शायद बट इतना नहीं लगाते यार वो और इतना बार्गेन भी नहीं करना चाहिए बहुत मेहनत कर रहे थे यार वो लोग हम मतलब उतना बार्गेन किया कि जितना वैलिड लगा जितने में हमको पता है कि हमारा भी घाटा ना हो एंड उन लोगों का भी ना हो ऑफकोर्स और अपने घाटे में वैसे भी कोई नहीं देता इतना अच्छा आजकल के जमाने में बहुत कम इंसान है जमाने में बहुत कम इंसान है बट हाँ हमने इतना ही कोट किया कि उनको भी ज्यादा वो ना लगे तो उनकी भी मेहनत रंग लाए ठीक so, 75, 75 so, so so, है एक ऐसे तीन और हाइट वाइज ऐसा एक छोटा एक बड़ा एक उससे बड़ा ऐसे ऑर्डर में है तो so, काफी अच्छे है तीनों एंड इसकी क्वालिटी है उससे ठीक है नॉटर जैसा आपने ये देखा तो थोड़ा बहुत वैसा है बट ये शुरू से चाहिए थे, मैं रील ये तो, का है ना। तो अभी मेरे को रील पे भी फोकस करना है तो रील का सेटअप इज दिस एंड ये हमने जिस शॉप से लिए थे बहुत अच्छी शॉप है क्लियर <laughs> जाता है मुझे सो so ये सो so ये ब्लैक वाले तीन और है मैं आपको अच्छे से में दिखा। तो बहुत और है दिखाना सो so, तो so ये तीन सेट थे गोल्ड कलर का मिरर तो मैं ऐसे लेके जाऊंगी विच इज लाइक मिरर के लिए बंजारा इज लाइक वे टू गुड एंड काफी अच्छे प्राइजेस मिल जाते हैं वहां पे मिरर के पापा ने मिरर का बहुत गंदा प्राइस किया तो हमको लगा महंगा लेके आए हम फिर पापा ने बताया हा तुम महंगा हो बट ठीक है आप कमेंट करके बताना अभी बताओ सारा मिरर का बता दो पहले कहानी गाने लग गई हूँ सो ये जो तीन प्लांटर्स थे इसमें मैंने आप क्या कर सकते लाइक मैंने जो ठीक मैंने बताया ना कुछ टूटेगा भाई ये हॉल थोड़ा रिस्की है गाइस अगर इसके बाद वीडियो ना आए तो आप समझ जाना ना मुझसे कुछ टूटा टूटा था, था और उसके बाद मैं टूटी ठीक है तो इससे ना मैंने सोचा ये तीन अलग अलग होंगे पहली बात तो ये ऐसा हट जाएंगे तो एक एक में से ऐसा पत्ती पत्ती बाहर आएगी जैसा इसमें से आ रही है ना अभी तो वैसा इसमें से आएगी तो वो बहुत अच्छा लगेगा एंड इसके साथ ही जो मैंने मिरर देखा है तो दैट इज इन ब्लैक डिटेलिंग मिरर की बात करते हैं दैट इज इन ब्लैक डिटेलिंग बिल्कुल गोल ह्यूज मिरर अभी यहाँ पे लगना है पापा ने तीन चार दिन से लगाया नहीं है सेट तो जब यहाँ लगेगा तो उसकी क्लिप दिखा दूंगी एंटिल एन एस तब तक तो नहीं भी लगा तो आपको वैसे क्लिप लगा के दिखा दूंगी प्लांटर्स में ब्लैक डिटेलिंग है एंड उसमें जो ब्लैक डिटेलिंग है मैं चाह रही थी साथ में थोड़ा स्थेटिक जाए जा भी रहा था एज ऑफ माई थिंकिंग इमेजिनेशन में अभी लगा के नहीं देखा मैंने तो so, ये प्लांटर हमें पड़ा तीन प्लांटर्स एट फिफ्टी के विच आई थिंक इज टू गुड एंड भैया वो याद है अगर किसी ने जिसने ब्लॉग देखा है मेरा काफी कम लोगों ने देखा व्यूज बहुत कम जा रहे हैं रहा बट ठीक है मेहनत करेंगे सो जिस लोग जिन लोगों ने ब्लॉग देखा होगा उन्होंने देखा होगा एक पीछे से भैया बुला रहा था कि मैडम आ जाओ फिर मैंने दीदी को

तो फिर उन्होंने और कम करा और कम करा और कम करा फिर हम खड़े होने की बारी आ गई मतलब नहीं कम कर रहे थे और मेरे को वैलिड भी नहीं लग रहा था साढ़े आठ सौ रुपए इसका भी जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है आई थिंक इट्स नॉट टू गुड बट इट इज ओके क्योंकि मुझे काफी टाइम से चाहिए था कि खत्म करवाई लेके अब बहुत हो गया देन मिरर की बात आई तो भैया ने बोला था कि पच्चीस सौ रुपए दोनों का दे दो फिर हमने बहुत बहुत कम कोट करा के दो हजार रुपये लिया विच मेक्स द मिरर मॉर इलेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज इज ओके एंड क्वालिटी उसकी काफी हैवी है बहुत ऐसा सस्ता सा मिरर नहीं है प्लस ये जितना भी क्रोकरी था ये प्लांटर्स थे एंड वो मिरर था वो पर्सनलाइज पैकिंग में भैया ने करके दिया था हमें मतलब आंटी ने क्रोकरी अच्छे से पैक करके दी थी एंड भैया ने हमें मिरर काफी अच्छे से पैकिंग कर दिया था पूरा सा तो ओ, क्या कहते हैं जो पिघल ले जाते बहुत जल्दी थर्माकोल थर्माकोल में मिरर पैक करके दिया था एंड डब्बे में थर्माकोल अलग से था सो ग्रेट पैकिंग कि आप काफी दूर तो हम लोगों को अच्छा था पैकिंग का भी भैया ने अच्छे से करके दिया तो ग्रेट सर्विस एंड दोनों के फिर हमने दो हजार रुपए लिए प्लांटर्स आर फॉर एट फिफ्टी इज ग्रेट फॉर क्वालिटी

अच्छा है मतलब क्वालिटी भी अच्छी है एंड वो एक ही पीस है तो अस्सी रुपए का मेरे हिसाब से अच्छा है नॉट टू लो नॉट टू हाई तो अच्छा प्राइस है देन हमें एक पसंद आता है लैम्प विच जो मेरा मिरर वाला एस्थेटिक है ना जो ये प्लांटर्स लगेंगे नीचे तो कम काफी रील्स में ही प्लांटर्स आएंगे काफी रील्स में वो लैम्प के रिप्लेस हो जाएगा विच आई थिंक इट्स गोइंग टू तो लुक

सो so, उसमें तीन ऐसे खाने आप उसमें कुछ एस्थेटिक सा रख सकते हो जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेरे को पसंद नहीं आता पहले भैया कुछ प्रिंटेड साइज के साथ दे देते तो तो मैंने भैया भैया को बोला कि प्लीज चेंज चेंज कर दो तो ने उन्होंने करके दे दिया दूसरा प्लेन वाला एंड उसके अंदर आप वो लगा सकते हो बत्ती बल्ब बल्ब लगा सकते हो अब काफी हैंडी रहेगा एंड नीचे वाला स्पेस बड़ा है अंदर वाला वैसा है थोड़ा छोटा उसके ऊपर वाला और छोटा तो आप तीनों में असेंबल करके चीजें रख सकते हो विच आई थिंक इज वे टू एस्थेटिक एंड ऊपर एक लाइट भी लग जाएगी तो एक बहुत अच्छा और आता है कमरे में सो आई थिंक इट इज अ गुड परचेज एंड दिस वॉज सो इलेवन हंड्रेड विच आई थिंक इज अगेन इट इज अ गुड प्राइस टू पे फॉर अ फॉरप क्योंकि भैया ने आई गस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज कोट किया था एंड लैम्प वैसे ही ऑलरेडी मतलब दे रहे थे लोग पंद्रह पंद्रह सौ रुपए के लैम्प एंड ये मुझे पसंद आया क्योंकि ये ब्लैक कलर का था फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी सारे ब्राउन थे एंड इसमें सामान आ रहा था सो दैट वॉज माई मेन फैक्टर के सामान आ जाए स्थेटिक लगे बैकड्रॉप में यूट्यूब के बैकड्रॉप में भी अच्छा लगे सो येस इलेवन हंड इज वेरी गुड लाइक स्टील देन वी गॉट टू अर शॉप जिनपे एक अंकल थे लाइक काफी ओल्ड एज अंकल थे एंड जैसी हमने उनकी शॉप देखी तो काफी सारी चीजें ना लाइक डम्प्टर में थी लाइक टूटी टूटी थी एंड अंकल सब कुछ फिफ्टी रुपीज का दे रहे थे सो so पहले तो मुझे थोड़ा वो हो रहा था बुरा सा लग रहा था क्योंकि काफी ओल्ड अंकल थे एंड देन वो सब कुछ फिफ्टी रुपीज का दे रहे थे क्योंकि काफी कुछ आपको ढूंढना पड़ता लाइक like हमने भी हमें इतनी चीजें नहीं अच्छी लग रही थी बट स्टिल हमने ले लिया क्योंकि हमें था कि अंकल हैं और जो भी थोड़ा बहुत डिफेक्टेड भी था तो हमने कहा चल कोई बात नहीं ले लेते मतलब प्राइस भी ऐसा नहीं है प्राइस बहुत अच्छा मिला है फिफ्टी रुपीज फॉर अ प्लेट बिन बार्गेन करें अंकल ने फर्स्ट गो में बोला फिफ्टी रुपीज लेना ले लो ठीक है तो और हमें अगेन थोड़ा सा डिफेक्टेड था हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं अंकल आप मेहनत कर रहे हो गुड सो यहाँ से ये प्लेट थोड़ी सी डिफेक्टेड एज ए कैन सी बट दिस इज अ वेरी एस्थेटिक प्लेट एज ए कैन सी इस पर थोड़ा पानी लगा है धुली हुई अभी अभी क्योंकि सारी सो दिस इज अ वेरी एस्थेटिक प्लेट काफी स्लीक है इसमें कुछ ज्यादा है नहीं एंड सेम ये दो दूसरी भी ऐसी ही है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है आई गेस बट उनमें काफी ढूंढना पड़ा हम लोगों को कि काफी खोज खोज के हमें मिली एक जेम पीस मिला है मैं बताती हूँ सो so, उन्हीं अंकल की शॉप से कि ये प्लेटर प्लेटर काइंड kind of ऑफ ऐसा वो मिली प्लेट ग्लिच सो so, इस इसपे कुछ ऐसा मार्बल ये देखेंगे पानी गिरा नीचे से इस पे ऐसा कुछ टेक्सचर्ड है बट यहाँ पे अगेन थोड़ा सा इसमें पीओपी -पी का डिफेक्ट है ये धोखे देख लिया हमने नहीं हट रहा और यहाँ पे भी है बट आई थिंक इट इज फाइन नॉट फाइन इट्स अ ग्रेट डील अगेन क्योंकि फिफ्टी रुपीज किया है इसका इसका कुछ बेस काइंड ऑफ कलर है हाँ काइंड kind ऑफ of, बेज है क्या ऑफ वाइट है ऑफ वाइट है एंड ऑफ वाइट के ऊपर कुछ इस ब्राउन कलर के सा वो है और डिटेलिंग सो वे टू एस्थेटिक मेरे को बहुत अच्छा लगा ये और कटोरीज ये है कटोरीज क्यूड़ी सी ये छः मिली फोर हंड्रेड रुपीज आंटी कुछ आई डोंट नो कितनी दे रहे थे फोर दे रहे थे फिर कुछ ट्वेंटी रुपीज की एक दे रहे थे हाँ

ये भी मैक्रमे गोवा में भी मुझे मैक्रमे बहुत पसंद आया था बट मैं ली नहीं नहीं थी पता क्यों so, so ये में था and इसकी क्वालिटी like, का था, कोई इस से कम, दिया डेढ़ सौ रुपये का तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्प इन समेज एंड शेर